दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और एक मीठी सी वीडियो। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट में ये सुंदर सी मिठाई, वो भी सिर्फ दो चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे हम। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको खाने के लिए आपको घंटों इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत खाकर और तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है, ये किसी भी किराना स्टोर पे बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह ताज़ा नारियल ले लीजिए। और ये मैंने चीनी ली है, नॉर्मल जो चीनी होती है दाने वाली वही है। तो ये जितना नारियल लिया है उसकी जस्ट हाफ हमें चीनी लेनी है। जैसे अगर दो कटोरी नारियल है तो हमें एक कटोरी चीनी लेनी है। इस तरह की मोटे तले की एक कढ़ाई ले लीजिए और इसको एकदम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। यहाँ हमारी कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें हम ये नारियल डाल देंगे और इसको हमें बहुत हल्का सा रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखिएगा, क्योंकि ये जो नारियल का बुरादा होता है इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रख लिया तो ये देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। बस इसी तरह से इसको हम चलाएंगे। यहाँ करीबन एक मिनट तक मैंने इसको चलाया है और अब एक मिनट बाद यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मलाई। ये दूध की मलाई है, फ्रेश मलाई ले लीजिए आप एक दिन की। अगर आप मलाई की जगह क्रीम डालना चाहते हैं तो आप एक कटोरी इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक बड़ा चम्मच देसी घी और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। ये घी और मलाई इस नारियल में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और अब इसमें ये चीनी, तो चीनी को भी हम इसमें मिला देंगे। चीनी गर्म होने पर थोड़ी मेल्ट होगी तो जो बर्फ़ी है वो हमारी मॉइस्ट हो जाएगी। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक चीनी का जो सारा पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मत बढ़ाइएगा। ये देखिए करीब दो मिनट बाद ये जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो गई है, सारा मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसमें और कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो हाफ पार्ट है वो मैं एक प्लेट से निकालूंगी, क्योंकि मैं इसे दो लेयर में बना रही हूँ। तो इसका जो आधा आधा पार्ट है, आधा आप कढ़ाई में ही रहने दीजिए, आधा इसको प्लेट में निकाल लीजिए। और ये जो कढ़ाई वाला मिक्सचर है इसमें मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा फूड कलर, ये रोज़ पिंक फूड कलर है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से बनाएं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का ये कलर तैयार है हमारी एक लेयर। तो दूसरी जो आधा पार्ट बचा हुआ है यहाँ, इसमें मैं ये येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर से जो हमारी मिठाई है वो दिखने में एकदम सुंदर लगेगी। तो ये दूसरी लेयर भी हमारी तैयार है। तो चलिए हमारी बर्फी के पीसेस काटते हैं। तो इस तरह की एक सेलोफेन शीट ले लीजिए और ये जो पिंक वाला लेयर है पहले इसको हम इस पूरी शीट पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए चारों तरफ से अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए और कोशिश करिए कि ये जो लेयर है इसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही रखें, ताकि बर्फ़ी जो हमारी है वो एकदम सही शेप में कटे, एक्स्ट्रा कुछ भी हमें निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हो जाएगी, ये ना चिपचिपाएगी ना कुछ, बहुत आसान है इसे बनाना।
तो इस तरह से चारों साइड्स इसकी एक जैसी कर दीजिए और जितना हो सके उतना पतला इसको स्प्रेड करिएगा। तो थोड़ा सा हाथों से इसको इस तरह दबा दीजिए। तो यहाँ देखिए जितनी स्प्रेड हो सकती थी मैंने कर दी है। अब ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको भी हम इस पूरी लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे जगह इसको अच्छे से फैला दीजिए। ये देखिए हमने दोनों लेयर्स को फैला दिया है। अब एक साइड से इस तरह धीरे हल्के हाथों से शीट को उठाकर और ऐसे हमें एकदम राउंड शेप में इसको लेकर जाना है और ये बहुत जल्दी इस शीट को छोड़ देगी। हमें इसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा थोड़ा करके इसको घुमाते रहिए और इस शीट को हटाते रहिए और एकदम ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में हमें इसको लाना है। ये देखिए इस तरह से। ये लीजिए एकदम सही शेप आया है। तो अब इसको चारों तरफ से हम मिक्सा कर देंगे। तो शीट के ही अंदर रखकर आप इसे इस तरह से घुमा दीजिए, दोनों साइड से इसको इस तरह फोल्ड कर दीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से छोड़ेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए, फ्रिज में नहीं रखेंगे, सिर्फ बाहरी 5 मिनट के लिए रखेंगे। तो यहाँ 5 मिनट बाद देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है इसका। तो इस तरह से अब इसके हम पीसेस कट करेंगे। ये साइड से मैंने कट कर लिए हैं। अब बीच से भी एक नाइफ इसमें चला देंगे। ये लीजिए हमारी बर्फी के पीसेस भी कटकर बिल्कुल तैयार हैं। एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया दिखने में लग रही है। बस अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ प्लेट पर मैंने इस बर्फी को निकाल लिया है और ये इस पर थोड़े से पिस्ता रख देंगे हम। ये गार्निशिंग के लिए है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो रखिए वरना कोई बात नहीं। आप इसकी जगह बादाम या काजू कुछ भी रख सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। और सिल्वर का वर्क अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सिल्वर का वर्क यूज़ नहीं किया है। तो ये लीजिए तैयार है हमारी मिठाई बनकर और कितनी बढ़िया और सुंदर लग रही है ये दिखने में। तो है ना आसानी से बनाना, और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको इसे खाने के लिए घंटों इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस त्यौहार में आप इस मिठाई को अपने घर पर ज़रूर बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।